तो एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आयोग ने 28 फरवरी के बाद देश में ट्रांसफर और पोस्टिंग बंद करने के लिए सभी राज्यों के सीएस और डीजीपी को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग की तैयारियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से आयोग ने इन अधिकारियों को कहा है कि जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग करनी हो वो 28 फरवरी से पहले कर लें। इससे साफ हो गया कि 28 फरवरी के बाद से कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। वैसे तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव में अभी 2.5 महीने का समय शेष है, लेकिन अब सरकार के पास काम करने के लिए करीब 1 महीने का ही वक्त है। उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 महीने बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगा। इसके जारी होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद सरकार कोई भी घोषणा और नए काम नहीं कर पाएगी। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश में लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें किसी एक पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटें जरूरी हैं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था। देश में लगभग 30 साल बाद किसी पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत 2014 के चुनाव में मिला था। जैसे जैसे वर्तमान केंद्र सरकार का कार्यकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन न्यूज़।